ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी, कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। श्रोता, हमारा आज का प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसका विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। और जो स्टूडियो में आमंत्रित हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और दूसरे जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, आप प्रभारी अधिकारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से। तो चलिए, जो भी हमारे श्रोता हैं, किसान भाई हैं, जिसको गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद से संबंधित कोई समस्या हो या आप विशेषज्ञों से कोई सलाह चाहते हो गन्ना फसल से संबंधित, तो आप सीधे फोन पर बात करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। और हमारे फोन नंबर वही पुराने हैं। फोन नंबर मिलाने से पहले आप दिल्ली का सिटी कोड 011 मिलाना ना भूलें। फोन नंबर है 2342108 2, और जो हमारा दूसरा नंबर है 2342108 3, यानी कि 2342 10 82, और दूसरा हमारा नंबर है 2342 10 83। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कमल किशोर जी। आप सभी किसान मित्रों को हमारा नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका साथी कमल किशोर। चलिए, आज गन्ने की पाठशाला में हम शामिल होते हैं और आपको भी शामिल करते हैं। और दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमसे मीठी बातें करे, गुड़ जैसी बातें करे, शक्कर जैसी बातें करे। जी हाँ, जब शक्कर की बात होती है तो गन्ने की बात होती है, और जब गन्ने की बात होती है तो कह सकते हैं कि मिठास का दूसरा नाम गन्ना है। चलिए, गन्ने की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है, उनके विषय में आज हम बातचीत करेंगे इस पाठशाला में। हमारे साथ गन्ना विशेषज्ञ आप हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आप हैं प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। आप दोनों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। हमारे किसान मित्र जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। हेलो जी, एक बात बताओ डॉक्टर साहब, ये जो धौड़ी की पगड़ी है धौड़ी की पगड़ी में, उनकी क्या दवाई है जी? ये देखिए, ऐसा है कि ये टॉप बोरर की तितली है और ये एक तितली 400 अंडे देती है जी, और उनसे बनती है फिर सूंडी जी, और वो आपके गन्ने के पेड़ में घुस जाती हैं जी, और एक पेड़ में एक ही घुसती है जी, उनको पता चल जाता है इस पेड़ में पहले घुसी हुई है तो दूसरे में घुसेगी। अब इसका इलाज है दो तरीके, मैं आपको बताऊंगा। एक तो खेत में जो फेरोमन ट्रैप होते हैं, आप बल्ब जला दीजिए और नीचे थोड़ा सा पानी डालकर मिट्टी का तेल कर दें, उसमें जितनी तितली मरी मिलेंगी आपको सुबह को, ना कोई मरी हो इधर उधर थोड़ा घूम रही हो तो उसको मार दें और उनको इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। तो आप ये लगा दो कि आपने अगर एक तितली वो पकड़ ली तो आपको 400 पौधे सुरक्षित हो गए। दूसरा उपाय है केमिकल उपाय, उसके लिए आप कोई सी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिप्रोनिल का, और फिप्रोनिल उसमें आती है रिएजेंट में, आपने सुना होगा, और दूसरी दवा होती है एक इमिडाक्लोप्रिड, उसका 1 ml प्रति लीटर में मिला के उसका छिड़काव कर दें तो उससे भी ये साफ हो जाएगी जी। कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है वो बता दें कृपया। जिला मुझे भरनगर में पड़े जी, चाली गांव पड़े बगरे के पास, धर्मपाल नाम है जी मेरा। धर्मपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, आपने धर्मपाल जी, धर्मपाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र भी है, तो आपको अगर और भी कोई तकनीकी जानकारी चाहिए हो तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं जी। सलाह डॉक्टर साहब जी,
ये जो 38 बीज है इसमें कीड़ा बहुत ज्यादा आया, इसकी कीड़े की कोई नवी दवा बनी? देखो ऐसा है धर्मपाल जी, आपने बहुत सही बात पूछी है। मेरा आपसे ये सुझाव है कि मैं अपने सभी किसान भाइयों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को इस राय देता हूँ, 0238 प्रजाति है, इसको अब बदलने का समय आ चुका है। इस प्रजाति में भी आपका कनशुआ कह सकते हैं, या लाइलाज बीमारी इसका रेड रॉट, काना रोग जिसे आप कहते हैं, लाल सड़न रोग काना रोग जिसे कहते हैं, ये बड़ा भयंकर रूप से फैल रहा है इसमें। और दूसरा साथ ही साथ में इसमें पोका बोइंग भी बीमारी आ रही है। तो मेरी आपसे राय है कि उसके स्थान पर आप दूसरी वेरायटी है 0238 के स्थान पर 0118 वेरायटी ले सकते हैं, कोसा 213-235 ले सकते हैं, 15023 प्रजाति है अर्ली की वेरायटी है, इनमें से कोई सी भी वेरायटी का बीज आप अपनी सोसाइटी जहां पर भी है आप मुजफ्फरनगर में, जो आपका मिल लगता है उस मिल क्षेत्र से आप संपर्क करके आप वहां से वेरायटी ले सकते हैं। अच्छा, नमस्कार जी। धर्मपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक और साथी हमसे बातचीत करना चाहते हैं जी? हेलो, मेरा नाम ऋषिपाल है, गाँव सिमरती है, जिला मुजफ्फरनगर जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जी, कोराजन जो है भी लगा सकते हैं क्या? देखिए कोराजन लगाने का एक तो बोझ समझिएगा कि कोराजन हम क्यों लगाते हैं। देखिए कोराजन जो दवा लगाने का सही जो है वो है उपयोग है वो है आपका टॉप बोरर की अगोला भेदक कीट के लिए, ठीक है। अगर अभी इस समय आपके में जो समय समस्या जो चल रही है इस समय अप्रैल के से लेकर के और मई के बीच में जो समस्या आती है वो आपकी या तो कनशुआ की आती है जिसको अर्ली शूट बोरर कहते हैं, और दूसरा आपकी आती है ब्लैक बग जिसको काला चिकटा के नाम से भी आप जानते होंगे। इन कीड़ों की समस्या ज्यादातर आती है पेड़ी में, काला चिकटा की आती है, और बाबक फसल अगर आपकी है तो उसमें आपका अर्ली शूट बोरर जिसको कनशुआ के रूप में भी आप हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान सभी जानते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए अभी हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया भी था तेवतिया साहब ने कि आपका फिप्रोनिल जिसे रीजेंट के नाम से भी जानते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप डालते हैं, पानी लगा करके भी डाल सकते हैं और पानी लगाने के बाद में फिर पानी चला सकते हैं, तो उससे क्या है कि आपके पूरा पौधा जो है जहरीला हो जाएगा और वो कीड़ा जहां कहीं भी है या उसका अंडा दे रही है, जैसा भी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी टॉप बोरर की तितली भी घूम रही है तो वो भी आपका दूर भाग जाएगी या मर जाएगी। बीमारी कोकला का बनाता है और वो पर जन्म चल जाता है। किस समय पे आती है, समय बता दें आप तो फिर मैं उसको समझ जाऊंगा। जब बारिश होती है चौमासे में जब आती है। हाँ देखिए वो पोका बोइंग है और वो 0238 प्रजाति में ज्यादातर आप देखते होंगे जिसको गलन कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पोका बोइंग बीमारी कहते हैं ये। देखिए हमारे किसान भाई कि इसमें ये समस्या ज्यादातर आती है बीमा, एक तो एक वायरस भी है, फंगस भी है और पोषक तत्व की कमी की वजह से भी आता है। तो इसलिए इसी मैंने अभी आपको बताया था कि इसको बचने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, फंजीसाइड दवा है, फफूंदी नाशक दवा है, इसकी 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप डालते हैं तो ये पोका बोइंग से किसी हद तक बच सकते हैं। क्या आप फंगस का रोग है? हाँ ये फंगस का ही रोग है और ये फेरस सल्फेट की कमी की वजह से भी आता है। अगर खेत में फेरस सल्फेट की कमी भी होगी तो भी उसकी से भी ये रोग बढ़ता है ज्यादा, तो इसलिए ऐसे खेत किसान भाई ये दवाई उसे क्या लगाई जानी चाहिए? हाँ नहीं, अब जब ऐसा नहीं, ये तो दवा अब जब आपकी फसल में बीमारी आ जाती है तो उस समय पे, और ये विशेष करके जुलाई से शुरू होती है और अगस्त में सबसे ज्यादा प्रकोप होता है इस बीमारी का। अगस्त में सबसे ज्यादा आप देखते होंगे, आपने अगर महसूस किया होगा, जब नमी ज्यादा होती है और गर्मी भी पड़ती है उस समय सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। जुलाई में करा देंगे स्प्रे इसका? हाँ जुलाई में करा दे, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्प्रे जो करवाएं मौसम साफ हो, बारिश न हो, ऐसा कोशिश करिएगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी किसान मित्रों को, किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि आज जो गन्ने की पाठशाला है उसका विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। इसके विषय में आप हमसे फोन पर बातचीत कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ जो कि गन्ने की पाठशाला में हैं यहाँ पर उनसे आप सवाल कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। और हमारे जो गन्ने के विशेषज्ञ हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, आप हैं मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आप हैं प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा। और हमसे फोन पर बातचीत करने के लिए, हमारे विशेषज्ञ से संपर्क साधने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 2342-1082 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1083। और इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा, हम आपके फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर तेवतिया जी, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मूल्य संवर्धित उत्पाद है, ये क्या है? देखिए मूल्य संवर्धित उत्पाद
या जिसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कहा जाता है जी हाँ। ये उत्पाद है कि गन्ने से हमें देखिए पहले रस मिलता है, उसके बाद हम उससे चीनी बनाते हैं, चीनी भी बहुत तरह की होती है, सल्फर युक्त चीनी होती है और रिफाइंड शुगर होती है जिसमें सल्फर नहीं होता है जी। उसके बाद फार्मा ग्रेड शुगर भी आती है और रिफाइंड होके यानी उसके कणे और छोटे होते चले जाते हैं, माइक्रोन में होते चले जाते हैं जी। 500 माइक्रोन की आती है, फार्मा शुरू होती है वहां से फार्मा के लिए, उसके बाद 350 माइक्रोन की होती है, 250 माइक्रोन की होती है। तो ये शुगर के डिफरेंट ग्रेड्स हैं जिनकी वैल्यू एड करके हम अलग अलग इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या इसे हम एक साइज के हिसाब से देख सकते? बिल्कुल, ये माइक्रोन साइज का ही मतलब है। और रिफाइंड जितना देखो मोटा होता है, पहले क्यूब भी बनती हैं इसकी, क्यूब बनाते हैं, आपने चाय में डालने के लिए देखा होंगे जी। इसकी मिश्री भी बनाते हैं, मिश्री साइज की भी होती है, उसमें भी अलग अलग साइज होते हैं। कुछ सौंफ में मिलाई जाती है, वो भी आपने देखी होगी। कुछ चीनी होती है सल्फिटेशन से, जिसमें कुछ नहीं करना, सल्फिटेशन वाली सीधे निकलती है, वो चीनी भी होती है। और इसका जो साइज घटता जाता है तो ये रिफाइंड करके घटाया जाता है और ये और अच्छी होती चली जाती है। तो डॉक्टर साहब जब ये साइज छोटी कर दी जाती है तो क्या उसके टेस्ट में भी कुछ चेंज हो जाता है क्या? टेस्ट में भी चेंज आता है। और जो फार्मा ग्रेड है मेडिसिनल वैल्यू, देखिए अगर मेडिसिनल वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाती है इसीलिए उसको फार्मा ग्रेड कहते हैं। तो जितनी छोटी होगी उसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? उसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी हाँ, तभी तो फार्मा में मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है जी हाँ। तो ये चीजें हो गई एक जनरल कैटेगरी की। चीनी के अलावा हम इसके छोटे छोटे पैकेट बनाते हैं जो हम ट्रेन वगैरह में करते हैं, चीनी के भी होते हैं और शक्कर के भी होते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट। देखिए गुड़ तो बनता ही है, किसान भाई बनाते हैं, खांड सारी इसकी बनती है। एक राब भी आती है जिसको जगरी लिक्विड कहते हैं, वो भी किसान भाई भर के रखते थे उसको। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके, रसगुल्ला इससे बनते हैं, मिठाई इससे बनती, गज्जक इससे बनती है, मतलब कोई जिसमें शुगर की जरूरत है वो सारी ही जो प्रोडक्ट है उत्पाद है वो इससे बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने फार्मा की बात की तो मुझे ख्याल आ रहा है होम्योपैथिक दवाई की, क्या उसमें भी शुगर की मात्रा होती है? देखो होम्योपैथिक में बिल्कुल वो जो दाने बनते हैं जो छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं जो ग्लोबुल्स जिसे कहते हैं हाँ, वो उसी की होती हैं जी हाँ। अब मेरे को ज्यादा इसकी जानकारी नहीं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो उसमें मिठास होती है तो वो चीनी की बनती है जी हाँ। उसमें बूंदों के रूप में होम्योपैथी की दवाई डाली जाती है, वो उन जो छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाती है और वो ऐसे ही मुंह में डालने से वो घुल के अंदर चली जाती जी। है, वो भी बहुत अच्छा उपयोग जी। मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात का ही गर्दन हिला के समर्थन कर रहा था कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो भी जो फार्मा वाली डॉक्टर साहब ने बात की थी वही फार्मा, वही शुगर है, वो फार्मा में ही यूज हो रही है जी। और उसको ग्रेन्युल फॉर्म शेप में दे दिया, स्मॉल और लार्ज स्केल में, और उसका मकसद ये होता है कि उसके अंदर उसको स्थिति दिया जाए जिससे अल्कोहल की मात्रा उसको जो होम्योपैथिक दवा वो एब्जॉर्ब कर जाए। डॉक्टर साहब छोटा सा प्रश्न ये है कि जिनको मधुमेह की बीमारी हो गई है उनको शुगर फ्री दिया जाए, ये शुगर फ्री क्या है, क्या उसमें शुगर नहीं होता है क्या? देखिए ऐसा है कि शुगर फ्री, शुगर तो होगा ही उसमें, लेकिन उसमें कैलोरीज नहीं होती है। देखिए एक स्टेविया, एक हमारा एक पौधा है स्टेविया, वो 30 गुना ज्यादा इस शुगर से, गन्ने की शुगर से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है, और लेकिन उसमें कैलोरीज नहीं होते, वो हर्बल प्रोडक्ट है, उसको शुगर फ्री कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक भी आता है, एक सिंथेटिक केमिकल आता है जो मीठा होता है, सैकरिन कहते हैं उसको, वो भी मीठा होता है और उसमें वो भी कैलोरी फ्री जी हाँ। आपको शुगर फ्री कहना थोड़ा सा सही नहीं है, उसको कहना चाहिए कि कैलोरी फ्री है वो जी। शुगर तो उसमें मतलब मिठास तो होगी जी हाँ, लेकिन जी हाँ। उनके कहने का मतलब ये है जो जनरल पब्लिक को समझाने के लिए हाँ। कि इसमें वो शुगर नहीं है जो आपको शुगर है जो आपको नुकसान करेगी वो शुगर नहीं है जी जी, इसलिए वो शुगर फ्री है। तो किसान मित्र हम बातचीत कर रहे हैं गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद के विषय में, और इसी विषय पर हमारे पास एक फोन कॉल आ चुका है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी मैं अमित कुमार, गांव भटौना, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। जी क्या प्रश्न है आपके? जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सर, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा कलेशर है अपना ही कोलू है जी,
और हम जो गन्ना चलाते हैं उसमें हम केवल गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम खांड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? मशीन काफी महंगी है, कोई ऐसी गवर्नमेंटेड सब्सिडी हमें मिले जो इसमें हमें कामयाबी मिल जाए? अमित भाई, आप यूपी गवर्नमेंट जो है इस समय खांड सारी को और कोल्हुओं को बहुत बढ़ावा दे रही है जी। 5,000 रूपए कोल्हू पे दे रही है और खांड सारी पे शायद 10,000 या 15,000 रूपए है जी। तो जो गन्ना विभाग है आपके यहाँ, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर होगा गन्ना विभाग में? बिल्कुल जी बिल्कुल। उनसे आप इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह ले सकते हैं। और आपका जो बुलंदशहर में पड़ता है ना आपका गांव, जी बुलंदशहर, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीओ होंगे, केन विभाग होगा जी जी, वो उनसे संपर्क करके आपको सही गाइडेंस मिल सकती है, नंबर एक जी। नंबर दो, आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी आ रही है, आप सही कह रहे हैं, थोड़ी महंगी तो है जी। वो एक मील का ही छोटा रूप हो गई है अब मशीनरी ना, छोटी छोटी, तो उनमें उसी तरह से जैसे आप कढ़ा में गुड़ बनाते हैं तो उसमें अंदर बॉयलर होता है, वो बाहर नहीं निकलता है बॉयलर से, फिर वो सीरा गुड़ का वो जो होता है वो आ जाता है इधर, फिर चाक में होके वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है आजकल। अच्छा जी, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी मशीनरी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और खांड सारी देखिए, आप खांड सारी एक विजिट कीजिए, इधर मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी, बड़ौत बागपत में इधर बहुत सारी खांड सारी की यूनिट है जी सर। तो आप, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1, 2, 3 जो खांड सारी की यूनिट है उनको विजिट कीजिए जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि खांड के लिए हमें कौन से गन्ने की जो किस्म है, जो रिकवरी अच्छी हो, या हम जो जनरली अपने यहाँ ले रहे हैं 38 है या 64 है या 32 है यही चलेगा, या कोई अच्छी ऐसी किस्म है जो हम गन्ना खरीदे तो उसका ध्यान रखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो खांड सभी गन्ने से बन सकती है, जिसमें शुगर है उससे ही खांड बनेगी, केवल उसमें प्रोसेस में अंतर है। देखो शक्कर का प्रोसेस अलग है, गुड़ का अलग है, उसी तरह से खांड सारी का थोड़ा सा अलग है जी, जी। तो उसमें जिसमें भी चीनी की मात्रा ज्यादा है, जैसे 15-0-23 है, इनमें अच्छी है रिकवरी, अर्ली वाली में अच्छी रिकवरी है, तो इनमें आपको अच्छी खांड सारी भी मिलेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जरूर विजिट करेंगे। हां अमित जी, एक चीज मैं और आपको इसमें बताना चाहूंगा कि आप बुलंदशहर से हैं तो आपका लघु उद्योग विभाग है आपके जनपद में ही, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, वहां से सब्सिडी जैसे आपने बात करी ना, तो छोटे लघु उद्योगों को वहां से भी आपको कुछ मदद मिल सकती है सब्सिडी के रूप में। बिल्कुल सर, तो मैं एक बार जा भी चुका हूँ मशीनरी देखने के लिए, उसका रेट सुन करके हम फिर वापस आ गए। तो आप लघु उद्योग विभाग जो आपका है उसमें आप संपर्क करिएगा, वहाँ पे एक अधिकारी होंगे जो, उनसे कहिएगा कि हमको लघु उद्योग लगाना खांड सारी का। और जो आपने ये खांड की बात की है, निश्चित रूप से इसका स्कोप बहुत अच्छा है, ब्राइट है, और आने वाले समय में लोग वाक चीनी को छोड़ करके खांड पे ही आना चाह रहे हैं, तो मेरी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एमएसएमई मंत्रालय है, उसमें भी आप मशीनों के विषय में या फिर कुछ सहायता चाहते हैं तो उसके विषय में भी आपको बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरविंद जी। जी आजकल जो प्रोडक्ट है उनको बनाने के लिए थोड़ी सी अब आसानी हो गई, मशीनें छोटी छोटी साइज में उपलब्ध हो गए हैं, बड़े एक कारखाने की आवश्यकता नहीं, घर में कोई भी चला सकता है जी। देखिए पहले गुड़ का एक साइज हुआ करता था, एक बाल्टी के साइज में या एक डब के टाइप में साइज में लेते थे, लेकिन अब आपने देखिए क्यूब साइज में, जो आपका एक क्यूब साइज होता है उस शेप में आपके जो एफपीओ है, हर जनपद में एफपीओ हुए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, तो उसमें वो गुड़ उस एक पर्टिकुलर साइज का, जैसे बर्फी का पीस होता है इस साइज में वो गुड़ बना रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू एडिट कर दी, उससे क्या है कि आदमी का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जो परचेजर है, जो खरीददार है, वो बर्फी जैसा गुड़ देखता है तो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसी में उसने आपके ड्राई फ्रूट्स लगा दिए तो उसको वैल्यू एडिट हो गई, उसके रेट भी बढ़ गए उसके, और रॉ मटेरियल वही है लेकिन वैल्यू एडिट करते चले जा रहे हैं वही गुड़ में। उसमें आप समझ लीजिए कि गुड़ का अगर आप समझेंगे तो कम से कम 20 तरह का गुड़ मिल रहा है, गुड़ आपका सौंठ का मिल रहा है, गुड़ आपका अजवाइन का मिल रहा है, गुड़ मेथी का मिल रहा है, गुड़ ड्राई फ्रूट का मिल रहा है, तो जो आपको गुड़ मिल रहे हैं ये अलग अलग टेस्ट के और उसके डिमांड के हिसाब से एफपीओ कंपनियां जो आपके हर जनपद में, जो इस गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा दिया है उससे काम हो रहा है। और दूसरे साथ साथ में ये बाई प्रोडक्ट में जो मोलेसिस है, इससे हमको जो मेन चीज, अब चीनी तो हम पहले लेते ही थे लेकिन अब इसके रूप में देखा जाए तो मोलेसिस अब मेन प्रोडक्ट हो गया है इसका, क्यों? मोलेसिस से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, मोलेसिस से ही आपको मेन बेस रूप करके एथेनॉल मिलता है, एथॉल मिलता है जिससे स्प्रिट या टिंचर कह सकते हैं, या एल्कोहल प्योर कहते हैं जिससे अलग अलग चीजें बनती है, मेडिसिन यूज भी होता है, साइट्रिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, साइटोकाइनिन मिलता है, ब्यूटोन मिलता है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, वैक्स मिलता है। और दूसरा सबसे बाई प्रोडक्ट में
सबसे एंड प्रोडक्ट मिलता है जिसको प्रेस मड कहते हैं, और ये प्रेस मड हमारी किसान की जमीन की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी काम करता है। जी बहुत अच्छी एनरिच द सॉइल, सॉइल्स की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी हमारा ये गन्ने की जो मैली है वो बड़ा सहायक होती है। चूंकि आजकल किसानों के पास में गाय का गोबर या भैंस का गोबर इतना नहीं होता है, तो हम इसको रिकमेंड भी करते हैं कि किसान भाई प्रेस मड को सड़ा करके भी गोबर रिसाइकल करके उसको खेतों में डालता है, तो उससे उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। जी, और आजकल तो चलन भी हो रहा है चीनी से ज्यादा अब गुड़ की ओर मुड़ रहे हैं। एक और चीज मैं आपको, जैसा गुड़ की ही बात न कहें, यहाँ पे अगर एनिमल फीड की बात भी करें तो आपको किशोर साहब जानकर भी वो होगा कि जो हमारी खोई है जिसको वेगास कहते हैं, को जनरेशन में यूज किया जाता है, हालांकि इसकी डाइजेस्टेबिलिटी नहीं होती है एनिमल में, लेकिन इसको रिसाइकिल करके और इसमें आपका मेज है, पल्सिस के है, या आपका गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनको मिलाकर के एनुअल फीड बना दिया जाता है। वो एनुअल फीड या चॉकलेट के रूप में दिया जाता है। बहुत सी कंपनियां इस तरह से बना रही हैं जिसको चॉकलेट रूप दिया गया है। ये उसमें खोई बेगास है, उसका कुछ परसेंटेज उसमें इस्तेमाल रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या पशुओं को, इस गुड़ को खाने से पशुओं को कुछ फायदा होता है, उनके दूध? हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर खोई को डायरेक्ट खिलाया जाए तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी नहीं, यानी उसको पशु पचा नहीं पाएगा, लेकिन जब उसको रिसाइकिल किया जाता है, चूंकि इसके अंदर लिग्निन होता है, लिग्निन और ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसको हमारा पशु पचा नहीं पाता है, इन दोनों जब इनको द्वारा से प्रोसेस किया जाता है तो लिग्निन और ऑक्जेलिक एसिड को अलग कर दिया जाता है, और उसके साथ में आपका मक्का का है, बाजरा है, ज्वार है, आपकी दलहन है, दलहन की कोई चोकर है, इनको मिलाकर के और फिर उसको फीड के रूप में दे दिया जाता है। उसको फीड को हमारा पशु बड़ा आसानी से और अच्छी तरह से खाता है, उससे उसकी मिल्क देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जी बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर तेवतिया जी। ये जो बूरा है ये क्या चीज होती है, इसमें किस प्रकार से वैल्यू ऐड कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि देखिए सौंठ, तिल, मूंगफली, इनको डालने के अलावा जी, अब तो मैंने ये देखा है मार्केट में कि गाजर का गुड़, आंवले का गुड़, इस तरह से सारी चीजों के गुड़ आने लगे हैं जी। और दूसरा जो ये बात कही इसकी कैटल फीड की, जी हाँ, तो कैटल फीड में देखो मोलेसिस तो डाला ही डाला जाता है, वो तो असेंशियल पार्ट है कैटल फीड का जी। डॉक्टर साहब, हम दोबारा फिर लौट कर आएंगे, अब ब्रेक लेने का वक्त आ गया हमारा जी। रिम जिम रिम जिम, बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी, कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो एक बार फिर हाजिर है फोन इन कार्यक्रम लेके, हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और जिसका विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। हमारा ये आज का प्रायोजित कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिम जिम रिम जिम, बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी,
कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। ये फोन इन प्रोग्राम है और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए बता दें कि आज का हमारा विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और इनके अलावा डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा प्रभारी अधिकारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारे विशेषज्ञों से आप फोन कर सकते हैं। आपका फोन नंबर एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं 0112342108 और 0112342108। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। नमस्कार श्रोताओं, कमल किशोर जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, स्वागत करते हैं जी। और आज की जो गन्ने की पाठशाला, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो विषय है वो है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। और इस विषय में आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से हमारे स्टूडियो में बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। नोट कीजिए हमारा फोन नंबर और इसी वक्त डायल कीजिए हमें। हमारा फोन नंबर है 2342108 यानी कि 2342108 और दूसरा फोन नंबर है 2342108 3। देखिए एक कॉल आ गया है हमारे किसान मित्र का। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम ग्राम चपकी पोस्ट चपकी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से अवध बिहारी बोल रहे हैं। जी अवध जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपके? प्रश्न यह है मेरा कि ये गन्ना से मुख्यतः यदि सुरक्षित रखना हो तो गुड़ और चीनी उत्पाद बनाए जाते हैं, क्या इससे कोई और भी बेहतरीन उत्पाद बनाया जा सकता है? गन्ने से अवध बिहारी जी बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। गुड़ और शक्कर के अलावा आप इसका सिरका बना के रख सकते हैं। आप एक राब होती है जो कि सीधे जो कढ़ा होता है बनाते, उस समय अगर उसको डायरेक्ट मटके में भरते हैं तो वो खराब ही नहीं होती है पूरे गर्मी में। तो पुराने जो बुजुर्ग लोग थे उसी को रखते थे। गुड़ जो है गर्मी में थोड़ा पिघल जाता है, शक्कर में भी नमी आ जाती है बारिश में, लेकिन वो राब ऐसी होती है उसको आप पूरे 6 महीने तक खा सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरा आप सिरका भी बना सकते हैं, कितनी अच्छी चीज है सिरका, डाइजेशन के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, सारी चीजें हैं। तो ये और बहुत सारे उत्पाद हैं। आप उसकी आटे के साथ मिलाकर कतली कहते हैं वो भी बना के रख सकते हैं, आप उसके लड्डू भी बना के रख सकते हैं उसमें और चीजें मिला के, अगर उसकी मिठा मेथी के लड्डू में भी गुड़ के लड्डू आप बना सकते हैं, मेथी के लड्डू बना सकते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग है इसके। जी अवध बिहारी, क्या आप भी गुड़ बनाते हैं क्या? जी गुड़ तो नहीं बनाते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ गुड़ देहातों में कभी कभार बन जाता है, चीनी तो ऐसे फैक्ट्री के अतिरिक्त ऐसे बनाई नहीं जा सकती सामान्यतः। एक बात मैं और कहूंगा अवध बिहारी जी कि देखिए इस समय गन्ने का आपने, ये तो चलो गन्ना चीनी वगैरह है, इसका रस को भी बड़ा इस समय देखेंगे आप, गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी भी मतलब मैं समझता हूँ कि जो मिल पे गन्ना बिकता है उससे कहीं ज्यादा महंगा इस समय गुड़ गन्ना बिक रहा है, क्योंकि उससे जो आपका रस है जिसमें नींबू मिला करके और पुदीना वगैरह मिला करके बड़ा बेचने का पीने का लोगों को शौक रहता है। और ये भी आपको जानकर हर्ष होगा कि अब इसको बोटलिंग करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है और ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली गई है कि अगर गन्ने को बोतल में बंद करके उसको एक प्रिजर्वेटर मिला करके किया जाए तो उसको लंबे समय तक पेय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। जी एक और फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ सर, गांव गंगा टेढ़ी, तहसील असन, जिला कन्हा, हरियाणा से। जी क्या प्रश्न है आपके? नमस्कार सर, पहले से पूरे आकाशवाणी परिवार को इसके लिए प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत जी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम मतलब गन्ने से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से नए ऐसे प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल पता है चीनी से मतलब मन भर गया है या शुगर की प्रॉब्लम आती बहुत दिक्कत आ रही है, तो और कौन से अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हो और खासकर युवाओं उसके लिए मतलब प्रेरित हो? देखिए इसके जो चीनी के से अलग हटके के भी अगर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप खांड इसका बनाना शुरुआत कराइएगा, और खांड का बहुत अच्छा स्कोप भी है और इसको बाजार में भी आप देखेंगे कि चीनी का रेट जो है लगभग 40 रुपए किलो के आसपास है और खांड जो हमारी है वो 75-80 रुपए किलो बिकती है, क्योंकि खांड का प्रचलन हमारे किसान भाइयों ने बंद कर दिया है, तो इसको खांड के उत्पाद कर सकते हैं, शक्कर बना सकते
सकते हैं। शक्कर की भी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं तो मार्केट में पैकेट बना करके आप इसको बेचते हैं तो बहुत अच्छे इसको भी रेट आपको मिल सकते हैं। और दूसरा एक मैं और सुझाव दूंगा कि सिरके का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब से देश के अंदर कोलेस्ट्रॉल की और शुगर की प्रॉब्लम आई है तब से लोगों में जागरूकता आई है कि गन्ने का सिरका भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल है अगर शुगर है वो कम होती है। तो सिरका का भी उत्पाद आप बना करके तैयार करते हैं और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या पश्चिमी आपके जो जिले हरियाणा के लगे हुए हैं उन जनपदों में काफी तेजी से लोग सिरका का उत्पादन करते हैं। तो आप इन किसी चीज का बनाने का प्रयोग कर सकते हैं और उससे आपको मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा और धनार्जन भी होगा। जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चलिए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। हेलो हेलो नमस्ते सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वासुदेव प्रजापति है, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम करेली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताएं वासुदेव जी। मेरा 4 बीघे का खेत है और ठीक है उस 2-2 फुट की हो गई है वो। अच्छा 2-2 फुट की हो गई है तो वो पीली पड़ रही है और इसमें गिड़ाल लग रही है। देखिए आप पहले मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि आपका ये बाबक गन्ना है या पेड़ी है? पेड़ी है। पेड़ी। हाँ पेड़ी है। इसमें जहाँ तक जैसा आप बता रहे हैं मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, इसमें काला चिकटा या ब्लैक बग का प्रकोप हुआ है और पीली पड़ रही होगी, मुरझान जैसी दिखाई दे रही होगी। तो इसके लिए आप ऐसा करिएगा कि एक दवा आती है फिप्रोनिल या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों चीजें बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, दानेदार होती हैं। इनकी दोनों में से किसी एक की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल करके हल्का पानी चला दें या पानी चलाने के बाद में जब पैर सदने की स्थिति आए तो आप इसको गन्ने की लाइनों में खून में जिसमें आपकी पेड़ी है उनके किनारे किनारे पर डलवा दीजिएगा रेत मिलवा करके, तो आपके ये खेत में जो काला चिकटा है वो पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब एक बार में नियंत्रित हो जाएगा या इसको 1-2 बार डालना पड़ेगा? देखिए अगर आपका अभी शुरुआत है स्टार्टिंग है तो मैं समझता हूँ कि एक बार प्रयोग करने से ही कंट्रोल नियंत्रित हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुआ है तो 12 से 15 दिन के अंतराल पर इनमें से किसी एक दवा का पुनः, अगर आपने पहले फिप्रोनिल डाला है तो दूसरी बार में कार्टप डालिएगा, अगर पहले कार्टप डाल चुके हैं तो दोबारा फिप्रोनिल डालिएगा, दोबारा एक ही दवा को दोबारा रिपीट ना करें। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर साहब मैं इंद्रवीर तेवतिया गांव नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी। गन्ने का क्षेत्र है हमारा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी। ये जानना चाहूंगा कि इस समय जो गन्ने की बुवाई चल रही है उसमें मिट्टी की जांच, खाद और कौन सा बीज उचित होगा जिससे कि अर्ली वेराइटी कम समय में तैयार हो और आगे उसमें गेहूं की बुवाई हो सके। जी डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी। देखिए जो इस समय बुवाई हो रही है तो इस समय देखो 0238 को तो अब हमें बंद करना है धीरे धीरे, और ये वैरायटी जो है आपको नई वैरायटी जो आई है ये है, देखिए आप जानते भी होंगे एक CO 15023 आई है जो कि करनाल से निकली है, उसकी अच्छी चीनी भी उसमें अच्छी बनती है, पैदावार भी अच्छी है। दूसरी एक है CO LK 14201, ये वैरायटी भी बहुत है, गन्ना इसका ठोस है, बिल्कुल गिरता भी नहीं है और इसमें वजन बहुत है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मिट्टी की जांच का, देखिए ये बहुत अच्छा आपने, प्रोग्रेसिव फार्मर मिट्टी की जांच का बहुत ध्यान रखते हैं, मिट्टी की जांच कराइए और 5 बीघे में से यानी 1 एकड़ से आप 6 जगह से आप सैंपल लीजिए, और सैंपल ऐसा लेना है कि चारों कोनों से आप लगभग 20 फीट अंदर आइए और बीच में से लीजिए 2 सैंपल, और उनमें आप आधा आधा किलो सब जगह से लेके एक जगह ढेर बना लीजिए, उसको अच्छी तरह कूट के बारीक करके उसका ढेर बना लीजिए और उसके 4 पोर्शन कीजिए, आमने सामने के पहले 2 हटा दीजिए, फिर 4 कीजिए, उससे दूसरे तरह के आमने सामने के हटा दीजिए, जब तक हटाते रहिए जब तक कि आधा किलो मिट्टी ना रह जाए, और उसको किसी भी अच्छी प्रयोगशाला में जो ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें जाके टेस्ट कराएं। टेस्ट करते समय आप ये जरूर ध्यान रख के उन्हें बोल दें कि भाई मेरे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच जरूर करनी है, क्योंकि जो अब देखने को मिल रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से पौधों की उपज घट रही है, उनमें बीमारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, अगर सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पौधों को मिलेंगे तो पौधा सुदृढ़ होगा, कठोर होगा, मजबूत होगा और बीमारियां और कीड़े भी उसमें कम लगेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने जो मिट्टी बताई है कि उसको सीधे प्रयोगशाला में ले जाएं तो उसको किस में ले जाएं, कैसे पैक करें, कोई उसका भी तरीका होता है?
हाँ, देखिए ऐसा है कि एक अच्छा सा कपड़े का थैला लें, उसमें अपने खेत का कोड लिखें कि भई ये मेरे कौन से खेत का है, क्योंकि हो सकता है कि आप चार पांच खेत का ले रहे हैं, एक खेत का ले रहे हैं तो आप उसका कोड लीजिए, उसमें आपको फसल का नाम लिखिए कि हमें आगे फसल कौन सी उगानी है, और अपना नाम लिखिए और फोन नंबर लिखिए और उसको दे दीजिए। यानी जो आप पर्चा डालें वो अलग डालें और जो मिट्टी डालें वो उसमें पैकेट दूसरा हो। हाँ, उसमें आप जब उसमें धागे से जो तैले को बंद करेंगे जी, तो उसमें अलग से टैग, अच्छा मोटा कागज, और उस पर लिख के उसको रखें। तो जांच कितने दिन में आ जाती है डॉक्टर साहब? देखिए 15 दिन में जांच आ जाती है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से। आप कंफर्म करते रहिए, अगर वहां पर प्रेशर कम है उनका सैंपल्स का तो वो जल्दी भी दे सकते हैं, लेकिन 15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल पर रिपोर्ट आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हमारा चल रहा है और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और कार्यक्रम में अगर मनोरंजन न हो हाँ तो मजा नहीं आता है। किसान भाई हमारे लोक संगीत, रागनी, इसके लिए भी कार्यक्रम सुनते हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई लोकगीत या रागनी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जी जी,
जी ये बहुत ही सुंदर ये लोकगीत और बातचीत चल रही है गन्ने की फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद के विषय में। डॉक्टर साहब कुछ देर पहले पैकिंग की बात की थी, गन्ने की जूस की बात करें तो इसमें पैकिंग क्या संभव है, क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इसके काफी लोगों ने इसमें हरियाणा के काफी किसानों का अभी अपने भी मीडिया में भी आया था कि उसने बोटलिंग करके इसको गन्ने के रस को प्रिजर्वेटिव में यूज करके और बोटलिंग की थी और बड़ा अच्छा उसका प्रयोग रहा था और उसने बाहर भी भेजा था उसको। मैं समझता हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो हमारे और भी किसान भाई इस चीज को कर सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि अब जो गन्ने का फरवरी से लेकर के और मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त तक गन्ने का रस बड़ा तेजी से बिकता है, अपने सड़क के किनारे पे देखा होगा और लोग बाग रुक करके बड़ा उसको पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, पीते भी है रुक करके। कारण क्या है कि एक ये शुगर कंटेंट तो इसके अंदर होता ही है और ग्लूकोज होता है तो ये एकदम डायरेक्ट एनर्जी देता है। अगर आदमी कहीं से चल के आया है और उसको कोल्ड ड्रिंक में आप सिंथेटिक जैसे और सॉफ्ट ड्रिंक अलग है तो जी, उनका इस्तेमाल अगर की बजाय आप उनको करते हैं तो वो ज्यादा आपको एनर्जेटिक रहेगा। जी आप कुछ देर पहले हम खांड की बात कर रहे थे तो इसमें किस प्रकार की चीजों को ऐड किया जा सकता है? देखिए खांड की जो बात मैंने आपसे कहा था, खांड भी गन्ने का जैसे बेस जो होता गन्ने का रस होता है उसको पकाने के बाद में बड़ा सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है उसमें बड़ा तेजी से इसको डाल करके इसके राब जैसे जैसे जो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी इस्तेमाल किया था राब की तरह से ही उसको कंज्यूम किया जाता पकाने के बाद में। और उसमें जब हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में बहुत तेजी से उसको घुमाते हैं बहुत हाई पावर पे तो उसके अंदर मोलेसिस जो होता है वो अलग हो जाता है और उसके पार्टिकल बहुत बारीक पार्टिकल के रूप में खांड जो है उससे चिपक जाती है जिसको क्रश करके अलग से उसको निकाल लिया जाता है। और जो खांड होती है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चीनी से बहुत ज्यादा अच्छी, कई गुना ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जी डॉक्टर साहब खांड का इस्तेमाल किसी प्रकार का कोई नुकसानदायक तो नहीं मधुमेह की बीमारियों के लिए? देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा गुड़ का इस्तेमाल और खांड का इस्तेमाल मधुमेह के लोग भी करते हैं जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खांड जो है जनरली उसके अंदर जो जो शुगर को बढ़ाने वाले पार्ट्स हैं एनर्जी लेवल है वो कम है। डॉक्टर उपेंद्र सिंह त्रिवेदी जी और अरविंद कुमार मिश्र जी आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां दी गन्ने की फसल के विषय में मूल्य संवर्धन के विषय में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार, नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी, कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम, राम।